हेलो दोस्तों, इंग्लिश मोरल वैल्यू बुक का लेसन नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। इस लेसन का नाम है डोंट बी जेलस। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या करने वाला और घृणा करने वाला। डोंट बी का मतलब ना हो, ये घृणा करने वाले। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेसन। ए लिटिल फ्रॉग नेम क्रॉक नेम्ड क्रॉक लिव्ड इन अ पॉन्ड। एक फ्रॉग था, मेंढक था, लिब्ड जो उसका जो नाम था क्रॉक था, लिब्ड इन पॉन्ड, पॉन्ड तालाब में रहता था। ही हैड टू गीस फ्रेंड, उसके जो गीस फ्रेंड हंस मित्र थे, नेम क्वाकी एंड क्विकी उनका नाम था। थ्री ऑफ देम स्वैम टुगेदर, वो क्या करते, तैरते थे। प्लेड ऑन माने खेलते खेलते रहते थे बैंक ऑफ द पाउंड, यानी कि नदी के जो वो तालाब के किनारे पर खेलते रहते थे। इट समटाइम क्वाकी एंड समटाइम क्विकी वुड फ्लाई, माने उड़ते थे, जस्ट फॉर ए हायर, थोड़ा ऊपर, अबव द पाउंड यानी तालाब के ऊपर। दिस मेड क्रॉक फील जेलस बिकॉज ही कुड नॉट फ्लाई लाइक देम। ये क्या कर दिया, जो क्वाकी एंड क्विकी उड़ते थे, तो दिस मेड क्रॉक यानी क्रॉक जो मेंढक था, फील माने महसूस करा दिया, जेलस माने जेलस यानी कि ईर्ष्या उनके प्रति। बिकॉज ही कुड नॉट फ्लाई लाइक देम, उनकी तरह उड़ नहीं सकता था, तो अपने आप को क्या करता था, जेलसी महसूस करता, घृणा उनके प्रति महसूस करता। देर वॉज नो रैन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और वहाँ पर बहुत समय से बारिश नहीं हुई थी। द पॉन्ड बिकेम सोलो, सोलो का मतलब होता है वाटर इज नॉट हाई, यू कैन सी वाटर इज लो, यू कैन सी बहुत थोड़ा पानी बचा था। वाटर इज नॉट डीप, यू कैन सी। क्वाकी एंड क्विकी डिसाइडेड टू मूव टू अनोदर प्लेस, अनोदर पाउंड वेयर वाज मोर वाटर। जो क्वाकी था एंड क्विकी था, तो डिसाइडेड टू मूव यानी जाने को उन्होंने निर्णय लिया, अनोदर प्लेस यानी अनोदर पाउंड यानी दूसरे तालाब पर, वेयर माने जहाँ देर वाज मोर वाटर, जहाँ पर बहुत सारा पानी हो, वहाँ पर उन्होंने जाने का अपना क्या किया, निश्चय कर लिया। क्रॉक वाज क्वेट सैड, यानी काफी जो क्रॉक था, मेंढक था, वाज माने था, क्वेट माने काफी सैड माने दुखी, टू नो माने जान करके, अबाउट देयर डिसीजन, उनका जो डिसीजन निर्णय था, टू गो टू अनदर पाउंड यानी दूसरे तालाब में जाने का, अदर पाउंड यानी दूसरे तालाब में जाने के लिए जब ये सुना तो बहुत दुखी था। क्विकी प्रपोज्ड एन आइडिया ऑफ गोइंग ऑल टुगेदर, जो क्विकी थी तो प्रपोज माने रखा एक आइडिया, विचार रखा, ऑफ ऑल गोइंग यानी कि आइडिया ऑफ ऑल गोइंग ऑल टुगेदर, यानी सब लोग साथ जाएंगे, उसने एक आइडिया, ऐसा एक विचार उसने ऐसे कहा। क्वाकी वाज चीयरफुल, जो क्वाकी थी बहुत चीयरफुल थी, प्रसन्न थी, दैट माने क्योंकि, अगेन ऑल ऑफ देम विल बी एबल टू स्विम, क्योंकि वो जानते थे कि भैया अब हम लोग क्या होंगे, अगेन यानी दोबारा से हम एक तैर सकेंगे और स्विम कर सकेंगे, एंड प्ले माने खेल सकेंगे, टुगेदर का मतलब साथ में। लिटिल क्रॉक स्टार्टेड सिंगिंग, जो छोटे छोटा जो क्रॉक था, मेंढक था, तो स्टार्टेड सिंगिंग, उसने गाना शुरू कर दिया विद द जॉय, बड़े आनंद के साथ। ही कुड नॉट गिव थॉट, उसने कोई आइडिया विचार नहीं दिया, हाउ वुड ही फ्लाई विदाउट विंग, यानी कि वो किस तरह से क्या करेंगे, वुड फ्लाई विदाउट विंग यानी बिना पंखों के किस तरह से उड़ेंगे, कोई आइडिया नहीं दिया। क्वाकी एंड क्विकी सैड, क्वाकी जो थी और क्विकी, उन्होंने कहा We will fly fast, reach another pound. हम बहुत जल्दी उड़ेंगे और फास्ट यानी कि दूसरे पाउंड पर पहुंच जाएंगे। This again made Croc feel sad. और इसने जब उन्होंने ऐसा कहा तो क्रॉक को क्या कर दिया, ये भी बहुत यानी कि बुरा फील होगा, उसको महसूस हुआ जेलस, उसने भी क्या जेलसी महसूस की। Soon Croc thought of an idea. जो क्रॉक था, मेंढक था, thought of मतलब एक विचार उसने सोच लिया, an idea. His friend also nodded their हेड फॉर अप्रूवल, जैसे उसने एक आइडिया दिया तो उनके जो फ्रेंड थे तो नोट कर दिया, अपना सर हिला दिया फॉर अप्रूवल कि हाँ भाई चलो ये सही है। क्रॉक ब्रॉट ए स्मॉल स्टिक एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड टू द आस्क्ड हिज फ्रेंड टू होल्ड द टू एंड, यानी जो क्रॉक था, जो मेंढक था, ब्रोट माने ले आया, स्मॉल स्टिक माने एक छोटी सी छड़ी, एंड आस्क माने कहना होता है, तो उसने कहा हिज फ्रेंड से, अपने मित्रों को, टू होल्ड माने पकड़ने के लिए, टू हैंड यानी टू एंड्स यानी जो अलग अलग चीज होते हैं उसको पकड़ने के लिए कहा। ही हिमसेल्फ हेल्ड
इट एट द सेंटर, और अपने आपने अपने आप को कहाँ पकड़ा, सेंटर में, जो लकड़ी का जो सेंटर होता है उसको पकड़ लिया। दिस वे क्वाकी एंड क्विकी कैरेड हिम, उसको ले गए ऑफ थ्रू द स्काई, स्काई के जरिए उसको वहाँ पर ले गए। यू कैन सी हियर थ्रू इमेज, ओ व्हाट एंड जॉयफुल जॉयवेल राइड, किस तरह यानी कि व्हाट व्हाट एंड जॉयफुल राइड, यानी किस तरह की, यानी कि किस तरह की, कैसी है जॉयफुल माने आनंदपूर्ण सवारी है, यात्रा है, थॉट क्रॉक यानी कि मेंढक ने सोचा। विलेजर लुकड अप एंड शाउटेड, जो विलेजर थे जो गांव के जो निवासी थे, लुकड अप माने देखा, एंड शाउटेड माने चिल्लाना शुरू कर दिए। विलेजर लुकड अप यानी जो उन्होंने देखा, एंड शाउटेड माने चिल्लाना शुरू किया, हाउ क्लेवर द गीस आर टू कैरी द फ्रॉग इन दिस वे, हाउ क्लेवर यानी कितने चतुर हैं ये गीस माने जो हंस है, तो कितने चतुर हैं, कैरी माने ले जा रहे हैं फ्रॉग इन दिस वे, इस तरीके से। क्रोक फील्ड अनोयड यानी कि जो क्रोक था, जो मेंढक था, फील्ड माने महसूस किया, अनोयड माने दुख यानी नाराजगी, टू हियर माने सुन करके, देयर प्रेज उनकी प्रशंसा, एज माने क्योंकि, इट वाज हिज आइडिया, ये उनका उसका विचार था, तो इसलिए उसने अपने आप को अनोयड फील किया। देन सम चिल्ड्रेन ऑफ अनदर विलेज आल्सो शाउटेड प्रेजिंग द गीस यानी हंसों की प्रशंसा, उन्होंने शाउटेड माने चिल्लाया और प्रेज यानी शाउटेड प्रेजिंग यानी कि प्रशंसा करना, उन्होंने चिल्लाया यानी कि नीचे से, उसी माने देख करके, कैरी दे माने ले जाते हुए, फ्रॉग लाइक दैट माने उस तरीके से, इन द स्काई यानी आकाश में। लिटिल क्रॉक गोट इवन मोर जेलस टू हियर दिस, यानी कि जो लिटिल जो फ्रॉग था, मेंढक था, गोट इवन मोर जेलस यानी इससे से भर गया टू हियर दिस यानी सुनकर। सुन देवर पासिंग ओवर अनोदर विलेज, सुन माने जल्द ही, देवर पासिंग माने गुजर रहे थे ओवर द ओवर अनोदर विलेज यानी दूसरे गांव से, वेयर पीपल वंस अगेन प्रेज्ड द गीस, जहां पर अगेन यानी कि लोगों ने गीस माने हंसों की प्रशंसा करी। दिस टाइम क्रॉक कुड नॉट टॉलरेट एनी लॉन्गर, यानी टॉलरेट का मतलब सहन नहीं कर सका, कुड नॉट टॉलरेट एनी मोर लॉन्गर यानी ज्यादा समय तक वो टॉलरेट नहीं कर सका। ही शाउटेड वेरी लाउडली टू मेक द पीपल हियर, यानी कि लोग उनको सुन सके, उसने ऐसा जोर से चिल्लाया, दैट माने कि इट वॉज हिज ओन आइडिया, उसका विचार था कि भैया हम लोग लकड़ी पकड़ के चलेंगे। एंड एज ही ओपन्ड हिज माउथ टू शाउट, जैसे ही उसने अपना ओपन माने खोला हिज माउथ टू शाउट यानी चिल्लाने के लिए, ही फेल डाउन बट लकीली लैंडेड ऑन हीप ऑफ मड, ही फेल डाउन माने गिर गया, बट माने लकीली यानी भाग से, लैंडेड माने गिरा ऑन अ हीप ऑफ मड यानी मट कचड़े के ढेर में गिरा। ही वाज से बट ही लॉस्ट टू ऑफ हिज वेरी गुड फ्रेंड, और उसने अपने करीबी मित्रों को यानी दोस्त मित्रों को खो दिया। सिटिंग ऑल अलोन ही वाज थिंकिंग, वो सोच रहा था, ही शुड नॉट हैव फेल्ड जेलस, उसे कैसा नहीं महसूस करना चाहिए था, ईर्ष्या नहीं जलन महसूस करनी चाहिए ऑफ देम यानी उन पर, बट इट वाज टू लेट, सो ये बहुत देर हो चुकी थी। सो दिस वाज अ लेसन दैट वी लर्न, आई होप यू मे हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस लेसन, तो थैंक्स अ लॉट। व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, वी लर्न दैट वी शुड नॉट नेवर फील जेलस ऑफ अदर। So this was a lesson. Thanks a lot. I will back soon with more videos. Till then you take care. Have a good day. If you found this video helpful, don't forget subscribe to our channel. Thanks a lot. Thank you so much.